जलाना और औरंगाबाद में इनकम टैक्स का छापा। कैश गिनने में लग गए 13 घंटे, थक गई मशीनें। स्टील फैक्ट्री में 390 करोड़ की नकदी बरामद। रियल एस्टेट डेवलपर कपड़ा व्यापारी पर हुई कार्रवाई। इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र के जलाना और औरंगाबाद में छापेमारी की है। औरंगाबाद में एक बिल्डर और जलाना में स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियों में छापेमारी हुई है। इन दोनों कंपनियों में 3 अगस्त को छापेमारी हुई थी, जो करीब एक हफ्ते तक चली। स्टील बनाने वाली कंपनी के यहाँ 390 करोड़ का अनकाउंटेड कैश मिला है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी मिली है, जिसमें से 58 करोड़ रुपए कैश है, 32 किलो सोना है, 300 करोड़ की अनकाउंटेड संपत्ति है, जिसको गिनने के लिए 13 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। महाराष्ट्र स्थित मराठवाड़ा के जलाना में 3 उद्योगपतियों के यहाँ बीते बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक जिन उद्योगपतियों के यहाँ ये छापा पड़ा, उनमें से कई ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का चंदा भी दिया था। करीब एक सप्ताह चली इनकम टैक्स की छापेमारी में कैश के साथ साथ भारी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ। ये तीनों ही बिजनेसमैन स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से एक बिजनेसमैन बीजेपी का बेहद करीबी भी है। इस छापेमारी के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ईडी के बाद अब आयकर विभाग भी एक्शन में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के जलाना और औरंगाबाद में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के कई अधिकारी शामिल थे। जानकारी के लिए बता दें कि जलाना में जिन कंपनियों के मालिक के यहाँ छापेमारी की गई है, वो 3 अगस्त से शुरू हुई थी। इसके अलावा आयकर विभाग ने कई और कंपनियों में भी छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। इस बात की आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं लगने दी गई थी। ये कार्रवाई 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच हुई। इस कार्रवाई को आयकर विभाग की नासिक टीम ने अंजाम दिया है। इस रेड में आयकर विभाग के 260 कर्मचारी शामिल थे, जबकि 120 गाड़ियां और 5 टीमों ने मिलकर पूरी छापेमारी को अंजाम दिया है। इस रेड में मिले कैश को गिनने के लिए जलाना की स्टेट बैंक से मशीनें लाई गई थी। सुबह 11 बजे कैश को गिनने का काम शुरू हुआ था, जो लगभग रात के 1 बजे तक चला। बता दें कि आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि जलाना के 4 स्टील कंपनियों के व्यवहार में अनियमितता है, यानी वो इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इसके बाद विभाग एक्शन में आया और उसने छापेमारी की तैयारी की। सबसे पहले उनकी लोकेशन तलाशी गई, साथ ही पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए। इस छापेमारी में घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शहर के बाहर एक फार्म हाउस से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जहां पर बैठकर अधिकारियों ने इत्मीनान से उनकी गिनती की और उसकी पैकिंग करके विभाग लेकर के चले गए। फिर से डरा रहा है कोरोना, फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, हो जाए सावधान, कहीं ये फोर्थ वेव की दस्तक तो नहीं। ये संभावित खतरे का वो अलर्ट है जिसे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लापरवाहियां बरत रहे हैं या कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, तो होशियार हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कोरोना की चपेट में आ जाएं। करीब एक साल से कोरोना की जो रफ्तार थमी हुई थी, उसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन उछाल दर्ज किया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार भी चौकन्नी हो गई है और दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ऐसे में जो लोग मास्क पहनने में कोताही कर रहे हैं, उनके लिए भी सख्त दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मास्क ना पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह के तमाम एहतियाती कदम तब उठाए जाने लगे हैं जब पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है, साथ ही लोगों को अपने स्तर पर बरती जा सकने वाली सावधानियां बरतने को कहा गया है। इसमें जिस किसी को भी लापरवाही बरतते देखा जाएगा, उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग अपने खुद के वाहनों में जैसे कार आदि में सवार हैं, उन्हें मास्क पहनने से छूट दी गई है। ऐसे लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों के भीतर ही 2000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इन्हीं 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है। यह आंकड़ा पिछले 180 दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले दिल्ली में 13 फरवरी को कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई थी। 13 फरवरी के बाद दिल्ली में कोरोना से इतनी मौतें अब हुई हैं।
लिहाजा इसे लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से चौकस दिखाई दे रही है। दिल्ली में मंगलवार को ही कोरोना के करीब 2500 मामले सामने आए थे। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.42% हो गई। इससे पहले 21 फरवरी को दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 18.04% दर्ज किया गया था। उसके बाद से अब इतने मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना के मामले नियंत्रण में बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह देश में व्यापक स्तर पर चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान को माना गया है। लेकिन एक अंतराल के बाद अब जबकि दिल्ली में कोरोना के ग्राफ में धीरे धीरे बढ़त दर्ज की जा रही है, ऐसे में इसने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, ताकि समय रहते ही किसी संभावित खतरे से निपटा जा सके। लिहाजा लोगों को अभी से इसे लेकर चौकन्ना किया जा रहा है, साथ ही उनसे जरूरी एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। चीन से फैला कोरोना वायरस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक बार फिर भारत के लिए चिंता की खबर है। भारत में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में नए मामलों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,299 केस मिले, जबकि 53 लोगों की मौत हुई। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 252 की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए केस में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। कल 16,047 नए मामले सामने आए थे। इससे पहले मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 16,047 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 54 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय बाद सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,25,047 हो गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 3,185 की कमी दर्ज की गई है। इस दौरान 19,431 लोगों ने कोरोना वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,35,55,041 हो गई है। 54 लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,26,889 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 4.58% हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 2,146 केस मिले हैं, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। संक्रमण दर 17.83% रही। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 180 दिन के बाद कोविड-19 की वजह से इतने मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 13 फरवरी को दिल्ली में कोविड-19 की वजह से 12 मरीजों की मौत हुई थी। राजधानी में एक बार फिर बढ़ते केस को लेकर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बढ़ते मामलों की वजह से राजधानी में मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के 1,847 मामले सामने आए और 7 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस मिले हैं। दिल्ली में अचानक एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों की वजह दिल्ली में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 सब वेरिएंट का मिलना है। ये काफी तेजी से संक्रमण फैलाता है। BA.5 ओमिक्रॉन किसी भी वेरिएंट से सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया था कि BA.5 दूसरे वेरिएंट की तुलना में आसानी से फैलता है। इतना ही नहीं, ये हर जगह फैला हुआ है, किसी को भी संक्रमित कर सकता है। ऐसे में दिल्ली में केसों का तेजी से बढ़ना, कंटेनमेंट जोन का बढ़ना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। बुधवार को कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को पड़ा था दिल का दौरा। जिम में वर्कआउट के दौरान कॉमेडियन की बिगड़ी थी तबीयत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के परिवार से की बात। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हार्ट अटैक के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। राजू को एम्स बुधवार को हार्ट अटैक के बाद लाया गया था। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर बनी हुई है, उन्हें वेंटिलेटर में रखा गया है।
बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वह अचानक गिर गए थे और बेहोश हो गए थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक की पुष्टि की थी। राजू की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है, वहीं अधिकारी और नेता उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों से दुआ करने की अपील की गई है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बात की है। सीएम योगी ने परिवार को संबल देते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, साथ ही इलाज के लिए हर संभव उपाय करने के लिए आश्वासन दिया है। बता दें कि बुधवार को राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहे थे, जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे उसी वक्त उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई, अचानक नीचे गिर गए। आनंद फानंद में राजू श्रीवास्तव के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। राजू श्रीवास्तव दिल्ली में निजी काम से आए थे, वो जिस होटल में ठहरे थे वहीं के जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद राजू श्रीवास्तव नीचे गिर गए। उसके बाद राजू श्रीवास्तव को CPR दिया गया और तुरंत दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि दिल्ली एम्स में सिर्फ राजू श्रीवास्तव ही नहीं, उनके छोटे भाई भी भर्ती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के छोटे भाई अस्पताल में न्यूरो डिपार्टमेंट के ICU में पिछले 4 दिनों से भर्ती हैं, जहां राजू श्रीवास्तव 2nd फ्लोर में एडमिट हैं, वहीं उनके भाई 3rd फ्लोर में भर्ती हैं। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन के साथ साथ सक्रिय राजनीति से भी जुड़े हैं, इसके साथ ही कानपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी हैं। नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए राजू श्रीवास्तव यूपी सरकार के साथ मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। यूपी के कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव मौजूदा दौर के कॉमेडी किंग माने जाते हैं। राजू के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक गजोधर है, जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था। कानपुर के माहौल पर उनके चुटकुले हमेशा से पसंद किए जाते हैं, हालांकि अब वो खुद के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके अभिनेता बने राजू श्रीवास्तव देश के बेहतरीन एंड स्टैंड अप कॉमेडियन में से एक हैं। फिल्म सीरियल के अलावा राजू श्रीवास्तव कॉमेडी शोज भी करते हैं, इसके अलावा वो लाइव प्रोग्राम्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में Sony TV के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वो मुंबई गए थे। राजू श्रीवास्तव ने तेजा फिल्म से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव ने कई फिल्मों में काम किया। राजू श्रीवास्तव को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से बड़ी सफलता मिली। उन्होंने बिग बॉस जैसे अन्य टेलीविजन सीरियल में भी काम किया। राजू श्रीवास्तव महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे शोज में हिस्सा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। बताते चले कि यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कानपुर से उतारा था, हालांकि उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया था। बाद में राजू BJP में शामिल हो गए थे। इन सब के बीच राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने से फैन भी चिंतित हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप तोड़िए, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मौजे द्वारा। यूपी के कांस्टेबल का वीडियो वायरल, मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो, खराब खाने को लेकर रोने लगा सिपाही। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब, ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? यूपी के कांस्टेबल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका नाम मनोज कुमार है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस किस हाल में है और कैसा खाना खाती है, ये आपको पता चलेगा। अलीगढ़ का मनोज कुमार फिरोजाबाद पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। मैस में खाने की क्वालिटी देखकर ये कांस्टेबल रो रो कर दुहाई देने को मजबूर है, मानो हर किसी का दिल रो उठे, आंसू पोंछते हुए अपना दर्द बयां कर रहा है। जरा इस रोते हुए कांस्टेबल की फरियाद सुनिए, जो अपनी बात CM योगी तक पहुंचाना चाहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप तोड़िए,
ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी यात्रा जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन कार्ड में बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ। इस वीडियो के बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। ये वीडियो बनाने के बाद पुलिस आई और कांस्टेबल मनोज कुमार को जबरन जीप में डालकर ले गई। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। बात करें बुला, नहीं बुला रहा साहब, जो नहीं बुला, मैं नहीं आऊंगा साहब, कहाँ से नहीं आऊंगा साहब। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। यदि आज यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं, या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, कड़ना द्वारा, मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, थाली को तुझे करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है। अपनी हनक में भौकाल मचाने वाला और ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला को भद्दिया गाली बकने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की परेशानियां और बढ़ गई हैं। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट से उसे तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नोएडा पुलिस ने उसे ओमैक्स सोसाइटी के आवास में अवैध निर्माण करवाने और एक महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो महिला के साथ अभद्रता और उसके साथ गाली गलौज करता दिखाई दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसते हुए उसे 6 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इस गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद अब उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जहां उसे मायूसी हाथ लगी। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है, लिहाजा उसे जेल में ही रहना होगा। हाल फिलहाल वो ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है। मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। हाल के विवाद के बाद त्यागी के खिलाफ अलग अलग 4 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें उस पर छेड़छाड़ और गैंगस्टर जैसी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ IPC की धारा 419, 420 और 482 के तहत केस फाइल किया है। अब बताते हैं इस पूरे केस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। इस मामले में अब उस महिला का बयान भी सामने आया है जिसके साथ श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो महिला नोएडा के उसी पॉश ओमैक्स सोसाइटी की रहने वाली है। उसका कहना है कि उसे श्रीकांत त्यागी का सामना करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने कहा कि वो अपनी सोसाइटी और समाज के लिए डटकर खड़ी रही, इसी वजह से पूरी सोसाइटी आज उसके साथ खड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाली वाली घटना का जिक्र करते हुए महिला ने कहा कि श्रीकांत त्यागी से उसने पहले कोई बात शुरू नहीं की थी। उसने बताया कि उसने सोसाइटी के माली से कहा था कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में पौधे ना लगाए। उसके मुताबिक माली पौधे वहां लगा रहा था जिस पर श्रीकांत ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिस पर माली ने उसे जाकर इसके बारे में सूचना दी। इसके बाद श्रीकांत त्यागी बाहर आया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। महिला ने बताया कि जब श्रीकांत त्यागी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहने का कारण बताते हुए इस महिला की सहेली ने बताया कि इस घटना के बाद से वो दबाव महसूस कर रही थी, साथ ही वो मीडिया का सामना करने में भी असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि मानसिक तौर पर इस घटना से उबरने में उसे शायद कुछ और वक्त लगेगा। आपको बता दें कि इस मामले में नेता श्रीकांत त्यागी ने पुलिस को खूब परेशान किया। मामला प्रकाश में आने के बाद वो लगातार फरार था, जिसके बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया गया था। हालांकि वो ज्यादा दिन बचा नहीं रह पाया। 6 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से ही वो जेल में बंद है। सुशील मोदी को नीतीश का जवाब, उपराष्ट्रपति की बात पर कसा तंज, सुशासन बाबू ने बताई सच्चाई, बीजेपी को दिया करारा जवाब। भाई जिसको जो मन में आता है पूछते न रहिए,
हाँ कौन कौन लोग बोलता है, एक आदमी को देखे नहीं क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो राष्ट्रपति बनना चाहते क्या सही बात क्या है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है, आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे आपसे। एक दिन पहले बुधवार को बिहार के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने दावा किया था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाने से नाराज थे। जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के पास आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया था जिसे बीजेपी ने नहीं माना। इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, उनके लोग आए हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह में तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते, तो पता नहीं मुझे, शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। सुशील कुमार मोदी के नीतीश कुमार से जुड़े कथित खुलासे पर बिहार में जेडीयू नेताओं का पारा चढ़ गया और जवाब देने का बीड़ा उठाया सीएम नीतीश कुमार ने। उन्होंने सुशील मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाने के ऑफर और बिहार में एनडीए छोड़ने से जुड़ी सारी सच्चाई मीडिया के सामने रखी। बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। बीजेपी ने, बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने यह बात कही। जिसको जो मन में आता है पूछते न रहिए, कौन कौन लोग बोलता है, एक आदमी को देखे नहीं क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो राष्ट्रपति बनना चाहते क्या सही बात क्या है, एकदम बिल्कुल बोगस बात है, आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे आपसे, राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया और वही तो वेट कर रहे थे, जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किए। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे, आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, आजकल बोल रहे हैं तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए, दरअसल बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन की सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया है। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ दोबारा सरकार बनाई है। नीतीश कुमार के फैसले का जेडीयू बचाव कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता अटैकिंग मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार की सियासी महत्वाकांक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, दावे तो यहां तक कर दिए गए कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाने से नाराज थे और इसी कारण उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। अब इन दावों और बातों में कितनी सच्चाई है इस पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं के अपने अपने दावे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो महागठबंधन से अलग हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार हम सब मिलकर बनाए। लेकिन मित्रों, और ठीक यही आरोप परसों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए, जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार उससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा लिए। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है और फिर जो जांच एजेंसी है या जो न्यायालय है वो अपना निर्णय देगी। मित्रों, इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है तब इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। इसके साथ है, जो सबसे बड़ी बात है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया,
और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ सबका विश्वास सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। हम इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है उस बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे। उन्हें इस तरह के ख्वाब जिस प्रकार से उन्होंने देखने का काम किया कि हम आने वाले दिनों में विपक्ष के हम प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, यह तो उन्हें तय करना है विपक्ष के नेताओं को। सोनिया गांधी बनेंगी कि राहुल गांधी बनेंगे, शरद जोशी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, केजरीवाल जी बनेंगे, ये सारी चीजें तो विपक्ष के लोगों को तय करनी है। जिस प्रकार से वह भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा, और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने का की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। बिहार में नौजवानों के लिए खुशखबरी, शपथ लेते ही तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, एक महीने में देंगे बम्पर नौकरियां। जल्दी एक महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। तो सुना आपने तेजस्वी यादव का ऐलान, महज एक महीने के अंदर बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। इसके लिए नए नवेले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत भी पूरी हो चुकी है। यानी तेजस्वी यादव की माने तो बस एक महीने के बाद बिहार का बेरोजगार नौजवान जल्द ही कमाई करना प्रारंभ कर देगा। दरअसल उन्होंने शपथ लेने के बाद बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले एक महीने के अंदर प्रदेश में बंपर सरकारी नौकरियां निकलेंगी। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एक महीने के अंदर बिहार के युवाओं को बंपर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कदम उठाएंगे जो पहले किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी कर ली है। पहले आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जिसमें वो बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे हैं। बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है, और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी एक महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। महागठबंधन इतना मजबूत है कि आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा में भाजपा अकेले रहेगी, सब दल एक हो गए। बता दें कि इस दौरान तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो समाज में तनाव पैदा करना चाहती थी, अब हमने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाजपा, जदयू और समाजवादी राजनीति को खत्म करना चाहती है।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार ने जो यहाँ किया है वो अब देश को करना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार पूरे कार्यकाल भर चलेगी, हमारा गठबंधन बेहद मजबूती से काम करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री गरीबों और युवाओं के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं होते, बिहार के लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, भाजपा के लोग हमेशा षड्यंत्र करते हैं। चुनाव के बाद यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार की नौकरियों में 85% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए होगा। इसके अलावा छात्रों का 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन माफ करने का वादा भी उन्होंने किया था। 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी किया था। तेजस्वी ने कहा था कि सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए युवाओं से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जानकारी हो कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने NDA से अलग होकर लालू यादव की पार्टी RJD से हाथ मिला लिया है, लिहाजा नीतीश कुमार की ओर से लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीते बुधवार को दोनों ने अपने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। तेजस्वी ने ये भी वादा किया था कि आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय दोगुना किया जाएगा तथा समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाएगा। बीजेपी पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा हमला, बीजेपी को नीतीश तेजस्वी ने कर दिया खामोश, नीतीश कुमार को लेकर कह दी बड़ी बात, क्या विपक्ष का चेहरा होंगे नीतीश कुमार? कभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार शत्रुघ्न सिन्हा लगातार बीजेपी और मोदी पर हमला करते आए हैं। एक बार फिर से बिहार में बदले राजनीतिक हालातों को लेकर सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए अपने एक बयान में कहा है कि नीतीश और तेजस्वी ने भाजपा को खामोश कर दिया है। पटना एयरपोर्ट में पहुंचे सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने केवल वही दोहराया है जो भाजपा ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में किया है। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूसरा महागठबंधन भाजपा को खामोश बने रहने की चेतावनी है। आपको जानकारी हो कि खामोश शत्रुघ्न सिन्हा का फेमस बॉलीवुड डायलॉग भी है। उन्होंने बीजेपी पर दोष मढ़ते हुए आगे कहा, भाजपा ने जो किया है उसी का फल भुगत रही है। कैसे सरकार को खरीदा और अहंकार का प्रदर्शन किया है ये छिपा नहीं है। बिहार में जो चल रहा है और जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी का कोई वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया, उल्टे ये और कहा कि अब हम सबको खत्म कर देंगे और सिर्फ बीजेपी रहेगी, अब भाजपा ही अकेली रह गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस कदम से लोग बहुत खुश हैं। असल में वो यही कह रहे हैं कि भाजपा के साथ वही हुआ जो वर्षों से कर रही है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र में अपनी धन शक्ति के माध्यम से किया है, अब उन्हें जैसा का तैसा मिला। गौर हो कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी का हाथ छोड़कर लालू यादव की RJD के साथ गठबंधन कर लिया है। इस घटनाक्रम के पीछे जहां नीतीश कुमार बीजेपी पर पीठ के पीछे छुरा भोंपने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। जानकारी हो कि इससे पहले भी विधानसभा इलेक्शन के बाद भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ लालू परिवार से हाथ मिलाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार को समझ आ गया था कि RJD में उनकी दाल नहीं गलने वाली, लिहाजा वो फिर से बीजेपी के पाले में खड़े हुए थे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने की आस लगाए नीतीश कुमार के सामने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक बड़ी चुनौती ये भी रहने वाली है कि वो प्रधानमंत्री के लिए कैसे खुद को आगे रख पाते हैं। बिहार कैबिनेट में कौन कौन होगा शामिल, किन नामों पर चर्चा सबसे ज्यादा, किन किन की खुलने वाली है किस्मत, किस दिन होंगे मंत्रियों के नाम घोषित। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब वहां पर तैयारी नए मंत्रिमंडल के गठन की है। नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह मिलेगी इस पर चर्चाएं तेज हैं। इस बीच CM नीतीश कुमार ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बिहार में कैबिनेट का गठन 15 अगस्त के बाद किया जाएगा, यानी ऐसा 16 अगस्त या उससे एक दो दिन आगे पीछे किया जा सकता है।
उनकी ओर से ये जानकारी उस वक्त दी गई है जब बिहार में गठबंधन वाली नई सरकार के कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित चेहरों को लेकर चर्चाएं उफान पर हैं। नई सरकार के गठन के साथ ही नीतीश कुमार ने बतौर सीएम जबकि आरजेडी से तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली थी, लिहाजा अब इंतजार बिहार में नए मंत्रिमंडल के विस्तार का है। इसका स्वरूप क्या रहने वाला है, दोनों दलों से किन किन चेहरों को जगह दी जाएगी, वो चेहरे कौन कौन से होंगे और प्रमुख विभागों का बंटवारा दोनों दलों के बीच किस तरह से होगा, इस पर बिहार के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि इसे लेकर अभी दोनों दलों के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक नई सरकार की कैबिनेट के लिए मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक बिहार की नई कैबिनेट में आरजेडी से 16 से 18 मंत्री तक हो सकते हैं, जबकि इसमें कांग्रेस के 3 से 4 चेहरों को जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में सुमित सिंह जो कि एक निर्दलीय विधायक हैं, उन्हें फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। इस कैबिनेट विस्तार में जेडीयू की ओर से जिन संभावित नामों की चर्चा है उनमें लेसी सिंह, विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार, विजेंद्र प्रताप यादव, संजय झा, अशोक चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जमा खान और जयंत राज को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं आरजेडी की ओर से मंत्री पद के लिए जिन संभावित नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें तेज प्रताप यादव, आलोक कुमार मेहता, कुमार सर्वजीत, अवध बिहारी चौधरी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जितेंद्र कुमार राय, भारत भूषण मंडल, वीणा सिंह, ललित यादव, सुनील सिंह, चंद्रशेखर, अनीता देवी, अनिल साहनी, भाई वीरेंद्र, रणविजय साहू, शहनवाज, समीर महासेठ, केदार सिंह, सुरेंद्र राम के नामों पर चर्चा है। कांग्रेस की ओर से मंत्री पद के लिए जिन संभावित नामों की चर्चा है उनमें राजेश कुमार राम, मदन मोहन झा, शकील अहमद खान और अजीत शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया जा सकता है। ये तमाम वो नाम हैं जिन पर चर्चाएं जारी हैं। हालांकि इसे लेकर अभी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को दिल्ली में अपने आवास पर बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ये रक्षाबंधन प्रधानमंत्री आवास के लिए बेहद खास रहा। पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधने वाली बच्चियां, पीएमओ में काम करने वाले सफाई कर्मी, चपरासी, माली और ड्राइवर की बेटियां थी। इस खास मौके पर बच्चियों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इसके साथ ही उनसे बातचीत करती और आशीर्वाद लेती भी दिखी। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद पीएम मोदी ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसका वीडियो पीएमओ ने रिलीज किया जिसमें प्रधानमंत्री पीएमओ के सफाई कर्मी, सहायक, माली और वाहन चालकों की बेटियों से राखी बंधवाते नजर आए। छोटी बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी, उनसे बातें की और आशीर्वाद भी लिया। बताते चलें कि भाई और बहन के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।
क्या करोगे 15 अगस्त को? झंडा लहराएंगे। क्या लहराएंगे? ये कलर कौन सा रहना चाहिए? और ये कहा? और ये नीचे। करते नहीं करोगे ना? नहीं सर। चलिए बहुत खुश रहो। आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन की बात करें तो इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे रक्षा का सूत्र भी कहा जाता है। रक्षाबंधन को लेकर बाजार पहले ही सज चुके थे, बाजारों में लोगों ने राखी खरीदना शुरू कर दिया था। इसको लेकर तमाम तरीके की तस्वीरें भी देश भर से सामने आई थी। वहीं बात करें अगर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की, तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए नजर आते हैं। हर साल हमें क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी रक्षाबंधन के त्यौहार पर फोटो शेयर करते हुए नजर आते हैं। आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के उन खिलाड़ियों की, जिनके लिए उनकी बहन एक बड़ा सपोर्टिव सिस्टम बनकर उभरी, और उनकी बहनों की वजह से ही कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट करियर में शानदार प्रदर्शन किया और धूम मचाते हुए खिलाड़ी नजर आए। सबसे पहले बात करें अगर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की, तो क्रिकेट का नाम जब जब लिया जाएगा तब कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर का जिक्र जरूर होगा। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का करियर बड़ा शानदार रहा। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर के लिए उनकी बहन एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरी और उनकी बहन की वजह से ही कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी बन पाए। सचिन ने कई बार अपनी बहन का जिक्र भी किया है और वह हमेशा कहते हैं कि उनके क्रिकेट करियर के पीछे उनकी बहन का बड़ा योगदान रहा है। सचिन तेंदुलकर की बहन के बारे में आपको बताएं तो उनका नाम सविता तेंदुलकर है। वो सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर की पहली पत्नी की बेटी है। सचिन ने कई बार अपने क्रिकेट करियर की सफलता के पीछे सविता तेंदुलकर का हाथ बताया है। वह कहते हैं कि हमेशा उनकी बहन ने सपोर्ट किया। उनकी बहन हमेशा उनके मैच से पहले व्रत रखती है और इस वजह से कहीं ना कहीं वह शानदार प्रदर्शन कर पाए हैं। और बात करें अगर भारतीय टीम के स्पिनर खिलाड़ी हरभजन सिंह की, तो भारतीय दिग्गज स्पिनरों में से एक हरभजन सिंह भी अपनी क्रिकेट की तमाम सफलताओं के पीछे अपनी बहन का हाथ बताते हैं। हरभजन सिंह की बात करें तो उनकी गिनती भारत के ग्रेट स्पिनर्स में की जाती है। हरभजन सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। हरभजन सिंह की 5 बहनें हैं, जिनमें 4 उनसे बड़ी हैं और 1 बहन उनसे छोटी है। इसके अलावा बात करें अगर हरभजन सिंह की, तो उन्होंने साल 1998 में भारत के लिए डेब्यू किया था और वह टीम से इसके बाद जल्द ही बाहर हो गए थे। उनके पिता का साल 2000 में निधन हो गया था, जिसके बाद 5 बहनों और मां की जिम्मेदारी हरभजन सिंह पर आ गई थी। इसके बाद हरभजन सिंह ने यह फैसला किया था कि वह कनाडा जाकर ट्रक चलाना शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद उनकी बहनों ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें क्रिकेट खेलने की सलाह दी, कहा कि वह अपने क्रिकेट को जारी रखें और लगातार मेहनत करते रहें, जिसके बाद हरभजन सिंह ने जो किया वह अपने आप में इतिहास है। बात करें अगर भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सफलता की, तो महेंद्र सिंह धोनी की सफलता में कहीं ना कहीं उनकी बहन जयंती धोनी का बड़ा हाथ रहा है। धोनी की बायोपिक में भी हमने देखा था कि उनके पिता कहीं ना कहीं उन्हें क्रिकेटर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और वह हर मोड़ पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ खड़ी रही। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की बहन जयंती एक स्कूल में टीचर है। बात करें अगर भारतीय पूर्व कप्तान और साथ ही सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की, तो विराट कोहली की बड़ी बहन का नाम भावना कोहली है और दोनों का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। साल 2006 में विराट कोहली जब 18 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वह पूरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन उनकी बहन ने उन्हें सपोर्ट किया और क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया, जिसके बाद विराट कोहली एक बड़े और शानदार खिलाड़ी बनकर उभरे। विराट कोहली कहते हैं कि जब उनके पिता दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे, तब उनकी बहन ही उनके लिए पिता बनकर उभरी और उन्हें सपोर्ट किया और उनके क्रिकेटर बनने का सपना भी पूरा किया। इसके अलावा बात करें अगर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, तो उनकी बहन के साथ भी उनका काफ़ी खास रिश्ता रहा है। बात करें अगर ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के पिता के निधन के बाद उनकी बहन हमेशा उनके पिता की तरह ही उन्हें सपोर्ट करती रही और उनके क्रिकेटर बनने का सपना पूरा किया। ऋषभ पंत कई बार जिक्र करते हैं कि उनके संघर्ष भरी जिंदगी में उनकी बहन ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और उनके साथ खड़े होकर उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया। बहरहाल एक सफल क्रिकेटर बनने के पीछे तमाम खिलाड़ियों की कुछ ना कुछ कहानियां जरूर रही हैं। साथ ही सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हरभजन सिंह, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों की भी खास कहानी रही है।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। बॉलीवुड और क्रिकेट के मैदान का अक्सर काफी खास रिश्ता रहा है। दोनों की कई बार चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। कई बार देखने को मिलता है कि क्रिकेटर्स कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, और ऐसा ही एक रिश्ता रहा ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला का। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और बॉलीवुड की एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का खास रिश्ता रहा। रिपोर्ट की माने तो इन दोनों का ब्रेकअप काफी दिन पहले ही हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों ही लाइमलाइट में आ चुके हैं और दोनों का एक स्क्रीनशॉट और साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत के एक इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट इस वक्त वायरल है और लगातार लोग इसे शेयर कर रहे हैं, और इसे उर्वशी रौतेला के एक वीडियो का जवाब माना जा रहा है। हालांकि ऋषभ पंत ने इस स्टोरी को डिलीट कर दिया है, और अब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ऋषभ पंत ने यह स्टोरी कब पोस्ट की थी। बहरहाल बात करें अगर उर्वशी रौतेला के एक वीडियो की, तो उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू का वीडियो, एक क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उर्वशी रौतेला मिस्टर आरपी के बारे में चर्चा करती हुई नजर आ रही है। मिस्टर आरपी को ऋषभ पंत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ऋषभ पंत के बारे में, यानी कि मिस्टर आरपी के बारे में उर्वशी रौतेला ने उस इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं वाराणसी के अंदर एक शूटिंग कर रही थी, एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान दिल्ली में मेरा एक शो होना था और मैं वाराणसी से सीधा दिल्ली में पहुंची, और फ्लाइट मैंने पकड़ी और सीधा दिल्ली पहुंची। इसके बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, 16 घंटे के करीब मैंने शूटिंग की और मैं होटल में जाकर सो गई थी। इसके बाद मुझसे मिस्टर आरपी मिलने के लिए आए थे और वह होटल में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे याद नहीं रहा कि वह मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मैं शूटिंग के कारण थक चुकी थी और मैं जाकर सीधा सो गई। इसके बाद मुझे लगातार फ़ोन किए गए और 16 से 17 मिस कॉल मैंने जब अपने फ़ोन पर देखे तो मुझे याद आया कि मिस्टर आरपी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही उर्वशी रौतेला ने कहा कि इसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था और मैं उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं कि किसी को इंतज़ार करवाऊँ। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मिस्टर आरपी मेरा इंतज़ार करते रहे और हम मिल नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बातचीत की और फ़ोन पर मैंने उनसे कहा कि आप मुंबई आइए, मुंबई आप मुझसे मिलिए और हम वहाँ पर मुलाकात करेंगे, और वही हुआ और हम दोनों वहाँ मिले। और इसके बाद मीडिया को एक टॉपिक मिला, एक विषय मिल गया जो उस वक्त वायरल हुआ और लगातार हम दोनों का नाम जोड़कर देखा गया। मिस्टर आरपी वाली वीडियो के जवाब में ऋषभ पंत ने एक स्टोरी को पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि दुनिया में कैसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान लोगों ने लाइमलाइट में आने के लिए झूठ बोला। लोग किस तरीके के झूठ बोलते हैं और खुद का नाम हेडलाइन में छपवाने के लिए इस तरीके के झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने लिखा कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। साथ ही उन्होंने हैशटैग लिखा कि मेरा पीछा छोड़ दे बहन, और झूठ बोलने की भी हद होती है। इसके बाद से यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उर्वशी रौतेला के मिस्टर आरपी वाली वीडियो का ये सीधा जवाब ऋषभ पंत ने दिया है, और ऋषभ पंत ने उर्वशी रौतेला को बहन बोल दिया है। हालांकि हम आपको बता दें कि उर्वशी रौतेला को कई बार क्रिकेट स्टेडियम में ऋषभ पंत यानी कि टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए देखा गया। तब ये माना जाता था कि उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, और उर्वशी रौतेला ऋषभ पंत को सपोर्ट करने के लिए पहुंचती हैं। पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान भी उर्वशी रौतेला स्टैंड में तिरंगा झंडा लिए ऋषभ पंत और टीम इंडिया को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। बहरहाल अब ये विषय और ये चर्चाएं अब जारी हैं कि उर्वशी रौतेला ने मिस्टर आरपी को लेकर जो बयान दिया, उसका जवाब ऋषभ पंत ने अपनी इंस्टा स्टोरी से दे दिया है। क्या कुछ आपकी राय है इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।